नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड ग्रेड के लेवल के अनुसार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लेवल में अपन हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो कोई भी अगर हिंदी की अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो क्लास अच्छे से देखें। और इस क्लास में अपनों ने पहला टॉपिक, बेसिक टॉपिक शुरू किया था वर्ण विचार। तो वर्ण विचारों में अपन आ गए थे व्यंजन वर्णों पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, और यहाँ पर अपन व्यंजन टॉपिक पढ़ रहे थे। व्यंजन में अपन मुख्य वर्गीकरण पर पहुंच चुके थे, और मुख्य वर्गीकरणों में अपनों ने देखा था कि भाई व्यंजन वर्णों को दो मोटे आधारों पर बांटकर पढ़ा जाता है। और उसमें भी यदि अपन पहली पहले भाग की बात करें, पहले आधार की बात करें, तो पहला आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, और दूसरा है प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो अपन यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं उसी क्लास को। उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कर रहे थे। उसमें अपनों ने 6 भाग पढ़ लिए थे, परंतु फिर भी अपन आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, पीछे से लेकर आएंगे ताकि वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला अपनों ने देखा था कंठ वर्णों को, क्योंकि कंठ से उच्चरित वर्ण कंठे कहलाते हैं। कंठे कौन कौन से होते हैं? अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग कंठ। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? अ से अ आ, कैसे कैवरग आ जाता है और है आ जाता है, और उसके बाद विसर्ग आ जाता है। विसर्ग को अपन यूं भी लिख सकते हैं। तो पहला वर्गीकरण था कंठे का। दूसरा अपनों ने देखा था तालव्य का, क्योंकि तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण तालव्य कहते हैं, कहलाते हैं। इसमें अपनों ने देखा था इचियश तालु, और इसमें अपनों ने ई से ई चैवरक, चैवरक, फिर य और श, ये इतने वर्ण इस वर्ग में आएंगे। उसके बाद तीसरा अपनों ने देखा था मूर्धा से उच्चरित वर्ण मूर्धन्य, और मूर्धन्य में अपनों ने देखा था रिट्रश, मूर्धा, और इसमें कौन कौन से आएंगे? जाहिर सी बात है अपन सूत्र के अनुसार ही चल रहे हैं, तो रीस्वर आ जाएगा, उसके बाद टैवर्ग आ जाएगा, और टैवर्ग के बाद अपन र और श, इनको देख लेंगे। हो गए 3 वर्ग। उसके बाद यदि अपन चौथे वर्गीकरण को देखें, तो चौथा वर्गीकरण आएगा दंते, क्योंकि दंत से उच्चरित वर्ण दंते कहलाते हैं, और अपनों ने इसमें देखा था लृत लस दंते, दंते। तो इसमें जाहिर सी बात है कि सूत्र के अनुसार लृ तो स्वर आ जाएगा जो संस्कृत का है, तय वर्ग आ जाएगा, और उसके बाद ल और से ये आ जाएंगे। और उसके बाद पांचवा वर्गीकरण औष्ठ्य, क्योंकि औष्ठ्य से उच्चरित वर्ण औष्ठ्य कहलाते हैं, और उसमें अपनों ने देखा था सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र उपधमानीय, और इसमें अपनों ने देखा था उ से उ हो जाएगा, और फिर प वर्ग हो जाएगा। ये चीज अपनों ने देखी थी, यानी कैवरग कंठ, चैवरग तालव्य, टैवरग मूर्धन्य, तैवरग दंत्य और पैवरग औष्ठ्य। ठीक है, तो पांचों वर्ग आ गए, यानी 25 वर्ण तो ये हो गए। फिर ये र ल, यानी बच कौन गया? वह बच गया इन व्यंजन वर्णों में। ठीक है, जो अंतस्थ वर्ण पढ़े थे अपनों ने, यर लवर, उनमें सिर्फ वह बचा है, ये र ल तीनों आ चुके। उसके बाद उष्म को देखें, तो श श स और है, उष्म सारे के सारे वर्गीकरण में अपन ले चुके। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये वर्णों का वर्गीकरण है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल कर लिए जाते हैं।
तो व्यंजन वर्णों में तो यदि अपन 33 को देखें तो 33 में सिर्फ व बचा है, और उसके बाद स्वरों में देखें तो अ आ इ ई उ री, ये इतने तो आ चुके। फिर बसता कौन है, ए आई ओ अब, ये वर्ण बच जाते हैं। ठीक है, कितने वर्गीकरणों में, 5 वर्गीकरणों में। ठीक है, अगर सीधे सीधे आप याद करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, छोटी सी सारणी बनेगी और एक ही सारणी में आप सारे के सारे वर्ण याद कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई पिछली क्लास में अपन 6 वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, अब छठा वर्गीकरण कौन सा था, तो वो था नासिक्य। 5 तो ये हो गए, पांच वर्गीकरण ये हो गए, और छठा मैंने आपको बताया था नासिक। नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण नासिके कहलाते हैं, और इसमें 2 प्रकार के वर्ण आते हैं। पहला कौन से, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण नासिके कहलाते हैं, और पंचम वर्ण किन्हें कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण। जैसे क वर्ग का 5वां वर्ण हो गया, च वर्ग का 5वां वर्ण हो गया, ट वर्ग का 5वां वर्ण हो गया, त वर्ग का 5वां वर्ण, और न वर्ग, सॉरी म वर्ग, प वर्ग का 5वां वर्ण में। तो ये 5ों आ गए पंचम वर्ण में। और दूसरा कौन आता है इसमें नासिके में, अनुस्वार। ये अनुस्वार होता है, और अनुस्वार इन्हीं का दूसरा अभिव्यक्ति का रूप होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वे 6 जो वर्गीकरण है वो अपन पढ़ चुके थे, जिसमें अपनों ने अभी तक के सारे क्लियर कर लिए, अच्छे से कर लिए। ये नासिका में भी आते हैं और अपने वर्ग के उच्चारण स्थान में भी आते हैं, वो सारी की सारी चीजें अपन पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। और यदि इस वर्गीकरण को और अच्छे से कोई देखना चाहता है, और वो क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो आप एक बार पीछे की क्लास और देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपने वर्गीकरण में बचे कितने से वर्ण हैं, इतने से बचे हैं। व्यंजन वर्णों में सिर्फ 1 और स्वर वर्णों में 4 बच चुके हैं। देखिए उसके बाद अगला वर्गीकरण अपन देखते हैं, और अगले वर्गीकरण में अपन देखेंगे कंठ और तालु। ठीक है, कंठ और तालु इन दोनों के सहयोग से उच्चरित वर्ण जो होते हैं वो कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ और तालु, कंठ तालु दोनों के सहयोग से उच्चरित वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब इतने से बचे हैं, इनमें से व, तो व में तो तालु का संयोग नहीं लग रहा। ए आई, हाँ ए आई, इसमें ए कंठ का भी संयोग है और तालु का भी संयोग है, तो इनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो ए आई कंठ तालव्य, और पिछली बार जब सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी तो ए आई का वर्गीकरण पूछा गया था। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो श्वास वायु है वो पहले गले को टकराती है और उसके बाद तालु को टकराती है, तो इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो ये आगे, उसके बाद यदि अपन देखें 8वें वर्गीकरण को, तो 8वें वर्गीकरण में अपन बात करेंगे कंठोष्ठ की, यानी कंठ और इसके साथ साथ ओष्ठ की। आप देखिए कंठ और ओष्ठ यानी गले और होठों की दोनों की सहायता से उच्चरित वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं। यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर अगर एक मात्रा लगाते हैं तो भी शब्द शुद्ध है, दोनों लगाते हैं तो भी शुद्ध है। ठीक है, तो कंठोष्ठ वर्ण हो जाते हैं। अब कंठोष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए गले से
से भी टकराए और होठों से भी वायु स्पर्श करे, तो ओ औ, हाँ इनमें होठों का संयोग रह रहा है, तो ओ और औ ये दोनों के दोनों वर्ण कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो कंठ और ओष्ठ का कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं नवें वर्गीकरण की। तो इसमें यदि अपन देखें कि दांतों और होठों के संयोग से उच्चरित होने वाले वर्ण, अर्थात दांत से भी वायु स्पर्श करे, श्वास वायु स्पर्श करे, और उसके साथ साथ होठों से भी श्वास वायु स्पर्श करे, तो इन दोनों के मेल से दंतोष्ठ वर्ण उच्चरित होते हैं, अर्थात दोनों के मेल से उच्चरित होने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं। और दंतोष्ठ वर्ण कितने होते हैं? मात्र एक, और कौन सा? व। देखिए अभी ये सारे आ चुके, व कौन सा होता है? दंतोष्ठ। ए और आई कंठ तालु, और ओ औ कंठोष्ठ हो जाता है, ओ औ कंठोष्ठ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे व्यंजन वर्णों और स्वर वर्णों का वर्गीकरण आ जाता है। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यहां पर यदि अपन देखें तो सभी वर्णों का, यहां पर मैं स्वर और व्यंजन नहीं बोलूंगी, वर्णों का ही बोलूंगी क्योंकि अपनों ने सभी वर्णों को लिया है। तो यहां पर अपनों ने लगभग सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया है कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है माना जाएगा, और उच्चारण स्थान के आधार पर यदि अपन देखें तो वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। फिर भी एक चीज और आ जाती है। देखिए प्राचीन वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्राचीन वर्गीकरण अलग माना जाता है, आधुनिक वर्गीकरण अलग माना जाता है। वैसे तो यदि अपन देखें तो आधुनिक जो वैज्ञानिक है, भाषा विद्वान है, वो प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार कर लेते हैं, परंतु अपभ्रंश के आधार पर वो कुछ चीजें, एक दो चीजें नहीं बताते हैं। कौन सी बताते हैं? तो इसके लिए आप यहाँ पर नोट लगा कर लिखेंगे। यहां पर आप नोट लगा कर लिखेंगे, और नोट लगाकर क्या लिखेंगे कि आधुनिक भाषा आधुनिक भाषा विद्वान कह दो या वैज्ञानिक कह दो, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करते हैं। आधुनिक विचार है वो भी प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करते हैं, परंतु अपभ्रंश के उच्चारण स्थान के आधार पर दो वर्गीकरण ये लोग और स्वीकार करते हैं। तो किसके आधार पर? अपभ्रंश के उच्चारण के आधार पर, उधार पर दो वर्गीकरण और स्वीकार किए जाते हैं। अब ये दो कौन कौन से हैं ये अपन देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं, और इन्होंने दो वर्गीकरण और स्वीकार किए हैं, कौन कौन से तो वो अपन देखेंगे। देखिए
आप इसको हेडिंग लगाकर भी लिख सकते हैं, आधुनिक भाषा विद्वानों द्वारा किया गया वर्गीकरण। इस हेडिंग में लिख सकते हैं, नोट लगाकर भी लिख सकते हैं। तो आधुनिक भाषा विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है उसमें यदि अपन देखें तो पहला वर्गीकरण है काकल। देखिए काकल के आधार पर उच्चरित होने वाले वर्ण काकल्य वर्ण कहलाते हैं और सामान्यतः काकल्य वर्ण ह होता है। और है का उच्चारण अपन और की कौन सी ध्वनि के लिए काम में लेते हैं, विसर्ग के लिए। तो ये दोनों ही चीज इसमें आ जाती है, एक तो काकल्य में है आ जाता है और दूसरा विसर्ग, जिसे अपन इस प्रकार से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो काकल्य ध्वनि भी होती है, काकल्य वर्ण भी होता है, जिसका उच्चारण स्थान आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना है, और जबकि प्राचीन विद्वानों ने किस में माना है और विसर्ग का उच्चारण कंठ में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्राचीन विद्वानों और आधुनिक विद्वानों में। सामान्यतः लगभग सारे वर्गीकरण आधुनिक विद्वान प्राचीन वाले स्वीकार कर लेते हैं, इसको अपभ्रंश के आधार पर स्वीकार करते हैं। तो ये मैं बार बार अपभ्रंश बोल रही हूं ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीधा का सीधा यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो यूं भी पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश के आधार पर आधुनिक विद्वानों ने कितने वर्गीकरण स्वीकार किए। तो अपभ्रंश के आधार पर अन्य दो वर्गीकरण और स्वीकार किए। दूसरा यदि अपन बात करें, हाँ काकल होता क्या है तो मैंने आपको बताया था। वैसे अपने राजस्थान में अगर छोटा बच्चा है तो उसका उसके गले में कुछ हो जाता है, उसको दर्द होता है, तो उसके लिए बोला जाता है कागड़ियों हो गयो या कागड़ियों पड़ गयो, तो वो ही काकल कहलाता है। आप अपनी दादी नानी के पास बैठकर कागड़ियों पूछ सकते हो तो वही आपका काकल कहलाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें दूसरे वर्गीकरण की, तो दूसरा कहलाता है वृत्स। अब ये जो वृत्स होता है इसके आधार पर वृत्तस्य वर्ण कहलाते हैं, व्रत के आधार पर उच्चरित वर्ण वृत्तस्य कहलाते हैं। अब ये क्या होती है वृत्स? ये दांतों की जड़ होती है, दांतों की जड़। सामान्यतः अपनों ने मसूड़ों का पढ़ लिया और उसके बाद दांतों का पढ़ लिया, तो मसूड़ों और दांतों के बीच में भी एक जगह होती है जहां से कुछ वर्णों का उच्चारण किया जाता है। और वो कौन होते हैं और कितने होते हैं? ये तीन वर्ण होते हैं, कौन कौन से? एक न और एक ल और एक स। अब रुचिकर बात, इसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न यूं पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड की एग्जाम में ही कि निम्न में से कौन सा वर्तस्य वर्ण है, तो इसमें भी ये तीनों ही विकल्प में थे। और अगर तीनों में से पूछ लिया जाए तो स सबसे पहले आएगा, उसके बाद न और ल आएगा। तो ये आप देख लेना और कहीं भी नोट लगा कर लिख लेना। सामान्यतः अपन जानते हैं कि वृत्स के आधार पर वर्तस्य वर्ण उच्चरित होते हैं या संख्या में तीन होते हैं, न ल स। अब यदि अपन देखें तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई भी एक ले ले, ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है या है? यदि इसमें विकल्प इस प्रकार से आ जाए ए, तो कंठ बै तालु से मूर्धा और दे दंत, तो आप किस वर्गीकरण में शामिल करेंगे? ले को यदि देखें तो अपनों ने किस में शामिल किया है? वृत्स में, जबकि यहां पर तो
इस प्रकार का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप जाइए प्राचीन वर्गीकरण पर। और प्राचीन में अपनों ने देखा था लरित लस दंते, लरित लस दंते, तो लरित लस लय इसी में आ रहा था। और इसका सही उत्तर कौन सा मान लिया जाएगा, द, और कौन सा विकल्प होगा, दंते हो जाएगा। ठीक है। और यदि यहां पर इस प्रकार से विकल्प आ जाए, ए कंठ, ब तालु, से दंत और द व्रज, तब आप कौन सा सही विकल्प मानेंगे ऐसी परिस्थिति में? तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि दो प्रकार के हिंदी में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण माने जाते हैं, प्राचीन विद्वानों द्वारा किया गया वर्गीकरण, आधुनिक विद्वानों द्वारा किया गया वर्गीकरण। दोनों वर्गीकरणों का यदि मिलान करें तो तीन बातें यहां पर अटकती है, तीन बातें ऐसी है जिसमें जो असमंजस पैदा करती है। कौन कौन सी है? पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं उसको हटा करके और ये चीजें समझा चुकूं। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो असमंजस की स्थिति पैदा करेगी। कौन सी? एक तो पंचम वर्ण। पंचम वर्ण क्यों? क्योंकि पंचम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो दो दो माने जाते हैं पंचम वर्णों के। यदि अपन बात करें अणय की, तो अणय का एक तो उसके वर्गीकरण के अनुसार यानी रिट्रस मूर्धा, एक तो मूर्धा इसका उच्चारण स्थान माना जाएगा और एक नासिका माना जाएगा, दोनों माने जाएंगे। अब इसमें असमंजस की स्थिति पैदा होने पर यानी ये दोनों विकल्प आने पर अपनों ने इसको ज्यादा सही माना है। ठीक है। उसी प्रकार की स्थिति इसमें भी आ सकती है। किसमें? काकल्य में और वर्तस्य में, इन दोनों में भी इसी प्रकार की स्थिति आ सकती है, क्योंकि इसमें जो है और विसर्ग है इसके भी दो उच्चारण स्थान माने जाते हैं, और इसमें भी जो न ल से है इनके भी दो दो उच्चारण स्थान माने जाते हैं। एक एक तो ये हो गए और एक एक जो अपन पीछे पढ़ कर रहे हैं वो हो गए। अब क्या करें? अब इनमें यदि दोनों विकल्प आ जाएं, जिस प्रकार से इस प्रश्न में आए हैं, इस प्रश्न में प्राचीन वर्गीकरण यानी यदि ल का उदाहरण देखें, ल का उच्चारण स्थान देखें, तो प्राचीन वर्गीकरण दंत होता है और आधुनिक वर्गीकरण ये होता है। दोनों एक साथ आ गए, तब अपने को करना क्या है? तब अपने को इसको मानना है, यानी मान्यता किसकी है? प्राचीन वर्गीकरण की है। इसलिए है क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण अपभ्रंश के आधार पर है और प्राचीन वर्गीकरण अपन संस्कृत यानी मूल भाषा के आधार पर पढ़ते आ रहे हैं, तो ये अपभ्रंश के आधार पर है, तो अपन इसमें भी इस प्रकार से सही उत्तर प्राचीन वर्गीकरण को ही मानेंगे। तो फिर आधुनिक वर्गीकरण कब आएगा, इसको क्यों पढ़ा है, इसका भी बताती हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको नोट कीजिए, इन दोनों प्रश्नों को। यहां पर भी आपको प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करना है जब दोनों विकल्प में हो। तो आधुनिक वर्गीकरण कब आएगा, क्योंकि बताया गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आ सकता है, इसीलिए बताया गया है। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, और यदि अपन एक प्रश्न और देख लेते हैं तो अपनी ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती है। चलिए, प्रश्न यदि इस प्रकार से आ जाए, अपभ्रंश के आधार पर, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कत्य आधार पर लय वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है।
अब ये प्रश्न आ जाए और अब इसमें विकल्प कुछ इस तरीके से हो, वृत्स, दंत, काकल और कंठ। अब ये प्रश्न हो और इस प्रश्न में आपके पास इस प्रकार से चार विकल्प हो, तब आपको उत्तर कौन सा करना है। तो अपभ्रंश के आधार पर अपनों ने दो ही वर्गीकरण पढ़े हैं, एक तो काकल और एक वृत्स। काकल में है और विसर्ग आ रहा है, जबकि वृत्स में न, ल और स ये तीनों आ रहे हैं। तो ल किस में जाएगा? वृत्स में। आपका ए विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को प्रश्न जो करने हैं वो विकल्प को देखते हुए करना है, प्रश्न की भाषा के आधार पर करना है, प्राचीन वर्गीकरण को ही स्वीकार करना है चाहे कुछ भी आ जाए। जब स्पेशली पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश के आधार पर या आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर, तभी अपने को वृत्स और काकल इन दोनों को स्वीकार करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। मिलते हैं आगे की क्लास में अगले वर्गीकरण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।